ते हैं उन्हें प्यास लगी और कलयुग को इस प्रकार वरदान दे दिया तो अधर्म की कमाई का वह मुकुट था, उसी मुकुट में कलयुग ने आकर ना डेरा जमा लिया, उसी मुकुट में वो प्रविष्ट हो गया और तब परीक्षित महाराज के सिर पर कलयुग अपना प्रभाव दिखाने लगा। वो कुटिया में जाते हैं परीक्षित जी और कहते हैं मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दो पानी दो। जब भीतर से कोई निकलकर नहीं आता, कोई ऋषि मुनि बालक कोई निकलकर नहीं आता, तब गुस्से से स्वयं ही अंदर जाते हैं। अंदर गए तो देखा शमीक ऋषि बैठे हुए थे तपस्या में और उन्होंने सोचा, अभी देखिए परीक्षित महाराज भगवान के परम भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं जिन्हें गर्भ में भगवान ने दर्शन प्रदान किया, जो पांडवों के पवित्र वंश में आते हैं, लेकिन कलयुग के प्रभाव से परीक्षित महाराज उन संत के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट नहीं कर पाते। सोचते हैं कि मुझे देखकर ये संत ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं तपस्या करने का, कि मानो समाधि में लीन हो ताकि उठकर पानी ना देना पड़े। तो परीक्षित महाराज क्रोध में आकर, ये सब कलयुग के कारण है, क्रोध में आकर वहीं पास में जंगल है, मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और उन ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन ऋषि तो भगवान के भक्त थे, वे आराम से अपनी तपस्या करते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और परीक्षित महाराज क्रोध पूर्वक वहां से निकल गए, अपने रथ पर चढ़कर घर जाने लगे। इतने में ही आसपास जो बालक देख रहे थे वे दौड़ते दौड़ते जाते हैं जिस स्थान पर शमीक ऋषि के पुत्र नदी में तर्पण इत्यादि कर रहे थे। और ये तो बालक हैं, छोटे छोटे खेल कूद रहे थे। बालकों ने जाकर कह दिया कि अरे मित्र, तुम्हारे पिता का ऐसा अपमान एक राजा ने किया, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उस छोटे बालक ने, ब्राह्मण पुत्र ने अधिक सोचा नहीं, विचारा नहीं, विचार विमर्श नहीं किया, तुरंत अंजलि में जल लिया, नदी में ही तो खड़े थे, जल लिया और शाप दे दिया कि जिस भी राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस राजा की आज से 7 दिनों बाद तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाए, ऐसा शाप दे दिया। मूर्ख बालक था, छोटा था, अधिक जानता नहीं था, लेकिन ब्राह्मण बालक था तो शक्ति तो थी, शाप दे दिया। परीक्षित महाराज अभी अभी महल पहुंचने ही वाले थे, इतने में बालक को थोड़ा डर भी लगा, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि राजा को शाप दिया, पता नहीं कौन राजा थे। तुरंत वह बालक अपने पिता के पास आया, देखिए यदि हमसे कोई गलती हो जाए, धोखे से जानबूझकर जैसे भी, यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो फिर उसको छिपाकर नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत अपने किसी बड़े को, संत को, माता पिता को बता देना चाहिए कि ये त्रुटि हो गई है। उससे क्या होता है, जो थोड़ा बहुत अपराध लगेगा सो लगेगा, लेकिन वे महत्पुरुष कोई ऐसा उपाय करेंगे जिससे हमारी रक्षा हो जाए, जिससे बिगड़ता हुआ काम ठीक हो जाए। तो ये बालक जाकर कहता है पिताजी पिताजी। अब ऋषि समाधि से उठते हैं, कहा बोलो बालक, मुझसे शायद एक त्रुटि हो गई है, देखिए वो परीक्षित महाराज आए थे, उन्होंने अपने गले में सांप डाला और मैंने उन्हें शाप दे दिया है। ऋषि बहुत गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं पुत्र देखो तुमने ठीक नहीं किया, तुमने बहुत गलत किया है, तुम जानते नहीं वे महाराज परीक्षित हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, अब तुम तपस्या करो ताकि तुम्हारा प्रायश्चित करो। और वे ऋषि तुरंत उठकर जाते हैं और परीक्षित महाराज के महल में पहुंचते हैं। वहां जाकर परीक्षित जी से कहते हैं देखिए राजन, मेरे पुत्र से बालपन के कारण इस प्रकार से अपराध बन गया है, अब आप ऐसा कोई साधन कर लीजिए जिससे 7 दिनों में आपका कल्याण हो जाए। अब शाप वापस तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। परीक्षित महाराज को प्यास लगी थी, तभी गले में सर्प डाला था, बहुत प्यास लगी थी, अभी महल में गए ही थे, अभी जलपान भी नहीं किया था, ठीक से बैठे भी नहीं थे, लेकिन मुकुट उतार के जैसे ही रखा और ये बात सुनी, अब कलयुग का प्रभाव नहीं है, अब बुद्धि आती है और परीक्षित महाराज चरणों में गिर जाते हैं, महाराज पता नहीं कैसे मुझसे ये अपराध बन गया, अब ठीक है, और निकल पड़ते हैं तुरंत घर से। अपने बेटे से कह दिया छोटे जन्मे जैसे कि अब तुम इस राजपाट को संभालना, राज्य का भार पुत्र को सौंप कर, और परीक्षित महाराज तुरंत घर से निकल गए। जैसे ही पता चला 7 दिनों के बाद मृत्यु हो जाएगी,
सोचा मैंने जीवन भर भगवान की भक्ति नहीं की है, अब और अधिक समय नष्ट नहीं करूंगा, तुरंत अपने कल्याण के लिए निकल जाते हैं। और तब बहुत सारे ऋषि मुनि ब्राह्मणों से पूछते हैं, मेरे कल्याण का साधन बताइए, 7 दिनों में मेरा कल्याण कैसे संभव है। ऋषिगण कहते हैं, हमें नहीं पता 7 दिन में क्या करेंगे, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता। तब आगे गए तो ऋषियों की सभा में श्री सुखदेव जी उस स्थान पर आ जाते हैं कृपा पूर्वक, और उन सुखदेव जी को देखकर चरणों में गिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तब सुखदेव जी व्यास आसन पर बैठते हैं और परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। परीक्षित महाराज कई प्रश्न करते हैं और सुखदेव गोस्वामी एक एक करके उत्तर देते हैं। पहले दिन वर्णन किया था, प्रमुख प्रश्न यही था कि मुझ जैसे जो मरणासन्न व्यक्ति हैं, जो मृत्यु के समीप हैं, उनका कल्याण कैसे हो। लेकिन विलक्षण बात तो यह है कि परीक्षित महाराज को तो पता था कि उनके पास कितने दिन हैं, 7 दिन हैं। क्या हमें पता है कि हमारे पास 7 दिन भी हैं? परीक्षित महाराज को तो कंफर्म था, पता था कि मेरे पास 7 दिन हैं, 7 दिनों के बाद मृत्यु होगी। लेकिन हमारे पास 7 दिन भी हैं कि नहीं, ये हमें नहीं पता। इसीलिए जो साधन भागवत में बताया है मरणासन्न व्यक्ति के लिए, उस साधन पर हमें चलना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। आगे द्वितीय स्कंध में श्रवण की विधि बताई गई है 10 अध्यायों में, किस प्रकार से भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए। और फिर सृष्टि के क्रम का वर्णन है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनाना प्रारंभ करते हैं तो सृष्टि के क्रम का, भगवान के अवतारों का वर्णन किया है, भागवत के 10 विषयों का वर्णन किया है, और तब भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन करते हैं, बताते हैं किस प्रकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम तो भगवान के धाम में भगवान विष्णु लेटे हुए होते हैं और उनके नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है और उस कमल में सबसे ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। वह जो कमल नाल है, भगवान के नाभि से बहुत विशाल बड़ा कमल निकलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य है, वह ब्रह्मलोक है। लेकिन वह जो कमल की नाल है, कमल का जो डंडा है, उस कमल नाल में 14 भुवन समाहित हैं, 14 लोक उस कमल नाल में हैं, जिसमें पाताल आदि लोक हैं, मध्य लोक हैं, पृथ्वी आदि, और फिर ऊपर स्वर्ग आदि लोक हैं। तो ये सभी लोग उस कमल नाल में हैं, ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो देखते हैं कि कोई दिख नहीं रहा, कौन मेरा पिता है, कहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा जी को कुछ नहीं दिखता। कोई छोटा मोटा कमल नहीं था, हमारी कल्पना से भी बाहर है कि भगवान कितने विशाल हैं, उनकी नाभि कितनी गंभीर है, उस नाभि से जो कमल निकला वो कितना विशाल है। विचार कीजिए, ये पृथ्वी इतनी बड़ी है और यह पृथ्वी जैसे कई लोग बड़े बड़े जिस कमल नाल में हो, वो नाल कितनी बड़ी होगी और उस पर जो कमल खिला है वो कितना बड़ा होगा, और ब्रह्मा जी कितने विशाल होंगे। ब्रह्मा जी जैसे ही आंखें खुलती हैं, चारों ओर देखते हैं, जब चारों ओर देखा तब ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, चतुरानंद ब्रह्मा हो गए, और तब चारों मुखों से ढूंढने लगे कि मुझे उत्पन्न करने वाला व्यक्ति कौन है। जब उन्हें कोई नहीं दिखता तब ब्रह्मा जी अपने स्रोत जिस कमल नाल से उत्पन्न हुए हैं नीचे की ओर जाते हैं, बहुत नीचे तक गए, लगभग सबसे नीचे पहुंच गए, लेकिन उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए। ब्रह्मा जी पुनः ऊपर आए और तब जब भगवान देखते हैं कि कोई जीव उन्हें जानने का, उनके दर्शन का, उन्हें समझने का प्रयास कर रहा है, तब भगवान प्रेरणा अवश्य करते हैं। भगवान ने देखा ब्रह्मा जी बड़े परेशान हैं कि मुझे किसने उत्पन्न किया है, तब आकाशवाणी होती है और 2 अक्षर वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर त और प, तप, यह ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ता है, सुनाई देता है, और ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि जो भी शक्ति है जिन्होंने उत्पन्न किया है वे चाहते हैं मैं तपस्या करूं। ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ जाते हैं और कई वर्षों तक, बहुत लंबे समय तक तपस्या करते हैं, गोपाल मंत्र का जाप करते हैं। दिव्य सरस्वती आकर उनको, ब्रह्मा जी को गोपाल मंत्र प्रदान करती है, गोपाल मंत्र का जाप करते हैं, और तब भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, अपना
वरद हस्त कर कमल ब्रह्मा जी के सिर पर रखते हैं, ब्रह्मा जी धन्य हो जाते हैं और अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। चतुर श्लोकी भागवत का यह जो भागवत है, चार श्लोकों में यह भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। अहमे वासमे वाग्रे नान यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेश्वरम्। इस प्रकार से चतुर्श्लोकी भागवत का भगवान उपदेश करते हैं और तब ब्रह्मा जी को ज्ञान होता है कि मुझे क्या करना है, कैसे सृष्टि को रचना करना है, बनाना है, और भगवान वहां से चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का इस प्रकार से वर्णन है। भगवान को समझने के लिए तीन चीजें हैं जिनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है। भागवत में तो है लेकिन चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट रूप से वर्णन है और बिना श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा के, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के, इसको समझना तो दूर, इसको सुनने का भी अवसर मिलना दुर्लभ है। तो क्या वो विषय है जिससे भगवान को जाना जा सकता है? तीन विषय है। एक है ज्ञान, दूसरा विज्ञान और तीसरा रहस्य। अब ज्ञान क्या है? तो ज्ञान ये ज्ञान नहीं है जो हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो ABCD हमें सिखाई जाती है, ये ज्ञान नहीं है। जो डिग्रियां हम प्राप्त करते हैं ये ज्ञान नहीं है। तब ज्ञान क्या है? तो कहा हम सभी जीव हैं और जीव का भगवान से जो संबंध है, हम सभी का, ऐसा नहीं कि जो संत महापुरुष हैं उन्हीं का भगवान से संबंध है या जो यशोदा मैया है, नंद बाबा है, उन्हीं का भगवान से संबंध है, उनका तो है ही, लेकिन हम सभी प्रत्येक जीव का भगवान से स्वयं का अपना संबंध है। हो सकता है किसी का भगवान के साथ माधुर्य भाव में संबंध हो, किसी का वात्सल्य भाव में संबंध हो, दास्य भाव में संबंध हो, तो हम सभी का जीवात्मा के रूप में भगवान से संबंध है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उस संबंध को भूले हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो संबंध नष्ट हो गया या है नहीं, वो संबंध तो विद्यमान है और भगवान जानते हैं कि हम उनके कौन हैं, लेकिन हम भगवान से अपने उस संबंध को भूल गए हैं। जैसे मान लो हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हो और दुर्भाग्य से कोई एक्सीडेंट हो गया और वो सब कुछ भूल गए। ऐसा कई बार हो जाता है, भूल गए और वो पहचान नहीं रहे कौन माँ, कौन पिता, कौन भाई, कौन बहन, कौन पति पत्नी, सब भूल गए और पड़े हुए हैं, उन्हें नहीं पता। लेकिन उन्हें नहीं पता, हमें तो पता है कि वो हमारे कौन है, पुत्र है या पुत्री है, हम जानते हैं और हम उनसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन उनकी कोई आसक्ति नहीं है क्योंकि वो भूल गए हैं। इसी प्रकार से जब से हम इस भौतिक जगत में गिरे हैं, ऐसी बीमारी हमको हो गई है, उस बीमारी का नाम है भव रोग। क्या नाम है? भव रोग। भव रोग है वो भव रोग हमें लग गया है और उस कारण हम भगवान से हमारा जो संबंध है उसको भूल गए हैं। लेकिन डॉक्टर कुछ एक्सरसाइज बताते हैं ना कि इनको पुरानी चीजें याद दिलाओ, इनके साथ ऐसी बातें करो जो पुरानी चीजें हैं वो उनको दिखाओ तो इन्हें याद आएगा। तो याद कैसे आता है? उनके हृदय में, सबकॉन्शियस माइंड में वो बात होती है, अंतर मन में वो बात होती है, केवल कुछ इधर उधर हो जाता है नस इत्यादि, तो वो भूल जाते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, भगवान के साथ संबंध हमारे हृदय में है लेकिन आवृत है, ढका हुआ है, उसको हम जानते नहीं है। अच्छा, फिर वो आवरण हटेगा कैसे, कैसे हमें याद आएगा? तो कहा जब गुरुदेव की हम शरण लेते हैं, प्रामाणिक गुरु के पास हम जाते हैं और उन गुरु से दीक्षा से हमारा संबंध स्थापित होता है,
और तब जब गुरुदेव महाराज हमें नाम प्रदान करते हैं, दासांत नाम बताते हैं, तुम अमुक दास हो, और तब हमें जब साधन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, जप करते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तब धीरे धीरे स्मृति आती है और हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो हमें याद आ जाता है। तब समझ आता है कि हाँ, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, बाकी सब तो तमाशा है, बाकी सब तो झूठ है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान है, भगवान के साथ हमारे संबंध को जानना ज्ञान है। दूसरा है विज्ञान। एक बार हमने जान लिया कि भगवान के साथ हमारा यह संबंध है तो हम क्या करेंगे। मान लो कोई बच्चा है, बचपन में कुंभ मेले में भटक गया था, 20 सालों बाद उसको पता चला कि ये मेरे माँ है, ये मेरे पिताजी है। अब पता चल गया कि ये माता पिता है तो वो क्या करेगा, फिर सेवा करेगा, फिर तो अपनापन आएगा उसमें, फिर सेवा करेगा, उनके साथ रहेगा, प्रेम अपने आप बढ़ेगा। इसी प्रकार से जब जीव को समझ आता है कि हाँ, भगवान के साथ मेरा संबंध है, तब उनकी सेवा में लगता है, तब सेवा करता है। और तीसरा विषय है रहस्य। जब सेवा करता है तब सेवा करने से प्रेम की उत्पत्ति होती है, तब वह कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। अच्छा, अब हम किसके विषय में बात कर रहे हैं, किससे हम जीवों को संबंध स्थापित करना है, भगवान से, परमात्मा से। लेकिन जिनसे हमें संबंध बनाना है या स्थापित करना है, या जो भूल गए हैं उसको याद करना है, पता तो होना चाहिए कि वो व्यक्ति है कौन, वो भगवान है कौन, ये तो पता होना चाहिए। जब तक ये पता नहीं होगा तब कैसे संबंध स्थापित होगा, कैसे सेवा करेंगे, कैसे प्रेम करेंगे। तो कहा कि उन भगवान का नाम है, और उन भगवान का नाम है भगवान श्री कृष्ण। कई नामों से पुकारा जाता है, श्याम सुंदर, मधुसूदन, मदन मोहन, लेकिन प्रमुख नाम है उनका भगवान श्री कृष्ण, ये नाम है। और फिर भगवान कई रूपों में प्रकट होते हैं, भगवान शंकर जी के रूप में भी प्रकट होते हैं, गुणावतार ब्रह्मा जी के रूप में, आदि आदि रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह नाम है। अच्छा, तो रहते कहाँ हैं? तो कहा कि भगवान वृंदावन में रहते हैं। यदि वृंदावन जाएंगे, यदि वृंदावन जाएंगे तो अवश्य भगवान कृष्ण मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम वृंदावन आए, हमें पता है कि कृष्ण जो कि भगवान है वो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं भगवान? वैसे तो हर जगह रहते हैं, वैसे तो कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, किन प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। फिर भी एक स्थान ऐसा है जहां पर पक्की गारंटी है कि भगवान मिल ही जाएंगे यदि ढूंढेंगे तो, और वो स्थान है वृंदावन। क्योंकि भगवान ने यह वचन दिया है, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़कर मैं एक पग भी वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं धरता। इसका अर्थ भगवान वृंदावन में तो है, पक्के में है। हम वृंदावन आ गए, वृंदावन में पता चला कि भगवान दिखते कैसे हैं, तो कहा 17-18 वर्ष का जो बालक होता है उसके समान भगवान का सुंदर रूप है, और घनश्याम वर्ण है, मोर मुकुट वंशी धारण करते हैं, हाथ में लकुटी है, गौ माता को चराते हैं, बलराम के साथ रहते हैं, यह सब हमें पता चल गया। और हम मान लीजिए कि इतना बड़ा बालक 17-18 वर्ष के में 2-3 बालक मिल गए जिनका नाम है कृष्ण, फिर क्या करेंगे। तो कहा नहीं नहीं उन भगवान के माता पिता का नाम यशोदा और नंद बाबा है। अच्छा, उनके माता पिता का नाम नंद और यशोदा है। अच्छा, और कुछ बताओ उनके बारे में जिससे पक्का पता चले कि यही व्यक्ति कृष्ण है। तो कहा उनकी जो अंतरंगा शक्ति है वे श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी है, रहते कहाँ है, गोकुल में रहते। अब सब पता चल गया, वो भगवान गोकुल वृंदावन में निवास करते हैं। मैया पिताजी का नाम क्या है, नंद यशोदा, जोर जोर से बोलते जाइए। अच्छा, उनकी शक्ति का नाम क्या है, राधा रानी। उनके भैया का नाम क्या है, बलराम जी। तो यह सब तो हमें पता चल गया, लेकिन अब वृंदावन तो इतना बड़ा है और उसमें भी ब्रज 84 कोस, भगवान तो कहीं भी विहार कर सकते हैं, कहीं भी जाकर लीला कर सकते हैं।
वृंदावन में यदि हमें किसी के पास जाना हो तो पहले क्या करते हैं, उनसे एड्रेस तो मांगते हैं ना कि ठीक है आप वृंदावन में हैं लेकिन कहाँ पर है, किस क्षेत्र में है, तो क्या करते हैं एड्रेस मांगने के लिए? यदि कोई थोड़ा दूर है, हमें नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, हमें उनसे बात करनी है, कैसे संपर्क स्थापित करते हैं हम लोग आपस में, कैसे संपर्क स्थापित करते हैं बताइए? फोन कॉल करते हैं, हम कॉल करते हैं कि आप कहाँ हैं, आपसे मिलना है। अच्छा, अब आप में से किस किस के पास मोबाइल है, हाथ उठा लीजिए, मैं मांग नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ बस। सभी के पास मोबाइल फोन है? अच्छा, मोबाइल है तो नंबर भी होगा सबका। आप सभी के पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, तो क्या भगवान के पास नहीं होगा? हम तो साधारण तुच्छ जीव है, हमारे पास फोन है तो भगवान के पास तो होगा ही। अच्छा, हमारे पास तो फोन बड़े बड़े होते हैं, ये कंपनी का, वो कंपनी का, भगवान के पास तो और अच्छा बड़ा फोन होता होगा। हमारे नंबर है, उनका भी नंबर होता होगा। तो आप लोगों ने कभी ढूंढने की, जानने का प्रयास किया भगवान का नंबर? बड़े बड़े लोगों के नंबर हमारे फोन में होते हैं ना, इस नेता का, उस मंत्री का, इसके साथ कॉन्टैक्ट है, उसके साथ कॉन्टैक्ट है। किसी के पास भगवान का नंबर? कुछ कुछ लोगों के पास है, कुछ कुछ लोगों को तो पता भी है। तो हम सबके नंबर कितने डिजिट के होते हैं? 10 डिजिट के नंबर होते हैं, लेकिन वो भगवान का गोलोक वृंदावन में नंबर है, थोड़ा दूर है, अंतरिक्ष में बाहर है, तो भगवान का 16 डिजिट का नंबर है। अब वो नंबर मिलता कहाँ है? तो कली संतरण उपनिषद में, शास्त्र भगवान की वाणी है ना, वचन है, भगवान जो कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, तो कली संतरण उपनिषद में वर्णन आता है, इति षोडशकम नामा नामना कली कल्मश नाशनम नातः परतरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। हो सकता है हमारे पास मोबाइल में 2-3 सिम होती है, अलग अलग नंबर होते हैं, लेकिन भगवान के पास एक ही नंबर है। कहते हैं इति षोडशकम नामनाम कली कल्मश नाशनम नातः परतरोपाय, इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है, यही एक नंबर है। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने सारे शास्त्रों में ढूंढ लिया, इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है भगवान के साथ संपर्क स्थापित करने का, तो कौन सा वह नंबर है? तब कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 शब्द 32 अक्षरों का यह महामंत्र ही ऐसा एकमात्र साधन है जिससे भगवान प्राप्त हो सकते हैं, भगवान से संपर्क स्थापित हो सकता है, और इसके अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। और जो साधन है जैसे कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, प्रसाद खाना, यह सब साधन नाम जप में सहयोग करने के लिए है। नाम जप की महिमा हम कैसे जानेंगे, उसके प्रति श्रद्धा विश्वास कैसे दृढ़ होगा, उन सब के लिए यह सारे साधन है। लेकिन मुख्य साधन क्या है? बृहन्नारदीय पुराण में वर्णन है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलह एवं कपट के युग में हरि का नाम और हरि का नाम ही एकमात्र साधन या उपाय है जिससे भगवान प्राप्त हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा तो हम श्रवण कर रहे हैं, यह तो बड़े सौभाग्य का विषय है, संतजन आकर भी हमें बता रहे हैं कि हाँ यह सौभाग्य है, लेकिन अब हमें करना क्या है? इस कथा से कुछ लेकर भी तो जाना है, इस कथा से हमें ग्रहण करना है। हम इतनी तैयारी करते हैं, इतना परिश्रम हमने किया, दिन रात मेहनत की, लेकिन इससे प्राप्त हम क्या करेंगे? तो कहा सर्वश्रेष्ठ साधन तो नाम जप है, यही लेकर जाना है। और कैसे भगवान का नाम लेना है? तो कहा कि हम तो भगवान को पुकार रहे हैं, हम चाहते हैं ना हम उनके पास चले जाएं, वे हमें अपनी गोद में उठा लें, अपने आश्रय में हमें ले लें। तो जैसे बालक अपनी माता को पुकारता है हाथ ऊपर करके कि माँ मुझे अपनी शरण में ले लो, अपनी गोद में उठा लो, मैं खड़ा खड़ा थक गया हूँ, उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं हे हरे, हे श्रीमती राधा रानी अपने चरणों में लेकर हमें भगवान की सेवा में लगा दीजिए। और तब हम कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस प्रकार से हम भगवान को पुकारते हैं। तो भगवान रहते हैं गोकुल में, उनका धाम है, और इस प्रकार से भगवान को हम नमस्कार करते हैं। लेकिन एक और बात सुन लीजिए, भगवान इतनी सारी सृष्टि को संभाल रहे हैं, अनंत कोटि जीवात्मा है। अब और भी लोगों में कहीं कथा चल रही होगी तो उन्हें भी पता होगा कि भगवान का ये नंबर है। भगवान को बहुत सारे फोन कॉल जाएंगे, सबका तो कॉल उठाएंगे नहीं, कॉल उसी का उठाते हैं जो भाव से भगवान को पुकारता है, जो गुरु का आश्रय लेते हुए, संतों का आश्रय लेते हुए भगवान को पुकारता है, केवल उसी का कॉल भगवान उठाते हैं। तो जब हम प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए उन्हें पुकारेंगे तभी भगवान सुनेंगे, वरना हमारा नंबर ब्लॉक कर देंगे और फिर हम कॉल भी लगाएंगे तो कुछ होगा नहीं। इसलिए क्या करना है, प्रारंभ से ही प्रेम से, आदर से, भाव से और काम छोड़कर भगवान का नाम लेना है। 108 बार की एक माला होती है, वो तो हमें करना ही है, उससे अधिक करें तो और बड़ी बात है। और महाराज जी ने बताया था कि कार्तिक में जब कोई साधन करते हैं तो और हजारों गुना बढ़कर उसका फल मिलता है, और वृंदावन धाम में बैठकर करते हैं तो कहना ही क्या। तो ऐसे अवसर को हम क्यों छोड़ें, जब हमें अवसर प्राप्त हुआ है तो हमें अवश्य उस अवसर का लाभ लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर माला भी है, माला झोली भी है, तो यह आप सभी लोग ले सकते हैं, कथा के बाद सभी ले सकते हैं, कथा के बाद ले सकते हैं। और कथा के बाद हमारे पास बहुत समय होता है, तो सब लोग साथ में ही हैं, बहुत समय है कथा के पहले भी, कथा के बाद भी। तो क्या करना है, कम से कम अभी जब तक हम कार्तिक में वृंदावन में हैं, तो समय को व्यर्थ क्यों गवाएं, जब दिन इतने अच्छे जा रहे हैं कथा कीर्तन में, तो आगे पीछे का समय भी नाम जप में हो, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। जैसे हम सैंडविच खाते हैं तो पहले ब्रेड, उसके ऊपर मटेरियल, फिर ब्रेड होता है, ऐसे ही हमें क्या करना है कि पहले भगवान के नाम का जप, उसके बाद कथा बीच में, और फिर भगवान के नाम का जप, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो सभी आज से भगवान का नाम जपेंगे, अधिक नहीं तो एक माला तो करेंगे। जो लोग करेंगे हाथ उठा के बोलिए हरी बोल। चलिए देखते हैं कौन कौन करता है, फिर कल पूछेंगे कि किस किस ने माला की। देखिए मैंने पहले ही बता दिया, अब आप लोग कीजिएगा और फिर कल बताइएगा कि हमने इतनी माला की। आगे वर्णन आता है, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं, उनमें भगवान के कथा को श्रवण करने की विधि है, सृष्टि के प्रक्रम का वर्णन है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन है, और तब भागवत के 10 विषयों का वर्णन है। हर एक पुराण के अपने अपने विषय होते हैं, जैसे भगवत गीता उपनिषद है और उसके 5 विषय हैं, आत्मा परमात्मा प्रकृति काल और कर्म, ये 5 विषय गीता के हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसके 10 विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं, तो कहा सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, ऊति मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 विषय हैं। अब आप लोग चिंता मत करें, ये तो याद रहेंगे नहीं, एक एक करके हम संक्षेप में इन विषयों को समझेंगे, और फिर आगे जो भी भागवत है, जितने भी स्कंध हैं, इन्हीं विषयों पर आधारित है, इन्हीं विषयों के अंतर्गत सभी कथाएं कही गई हैं। तो भागवत का पहला विषय है सर्ग। सर्ग का अर्थ क्या होता है, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। क्या अर्थ है सर्ग का, सृष्टि करना। जैसे ये सृष्टि भगवान ने की है, पेड़ पौधे बनाए हैं, पृथ्वी बनाई है, 14 भुवन बनाए हैं, ये सृष्टि करना। दूसरा विषय है भागवत का विसर्ग। विसर्ग का अर्थ होता है अच्छे से सृष्टि करना, जब वि उपसर्ग पूर्वक कोई शब्द कहा जाता है, और अधिक अच्छे से करना, वो विसर्ग है, उसका अर्थ भी है सृष्टि करना। अब आप सोचेंगे सर्ग और विसर्ग में फिर भेद क्या, फिर ये दो विषय क्यों बनाए। तो कहा कि सर्ग वह सृष्टि है जो भगवान विष्णु करते हैं, और विसर्ग वह सृष्टि है जो ब्रह्मा जी करते हैं। तो भगवान की सृष्टि करने में और ब्रह्मा जी की सृष्टि करने में क्या भेद है, तो भेद ऐसा है कि हम
कोई बहुत बड़ा आयोजन करे। अभी तो हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, यह कथा उत्सव के रूप में यह आयोजन रखा गया है।